इस धमाके में ग्रेनेड की आहनी रेजों की जद में आकर पांचवी जमात का तालिबे इल्म 11 साल आफाक अहमद गनाई व गुलाम हसन साकिन गंड ब्राट जख्मों से चूर होकर गिर पड़ा और जब उसे अस्पताल से ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। धमाके में मजीद 4 अफराद के जख्मी होने की इतला है जिनके नाम रियाज अहमद पंडित, अब्दुल रहीम गनाई, मंजूर अहमद गनाई साकिन डांगरपोरा और मुदसर अहमद साकिन ब्राट कलान के बतौर मालूम हुए हैं। मासूम आफा के जहां बैक होने की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई जिसके बाद मकामी मर्दोजन घरों से बाहर आए और आफा की मैयत को जुलूस की सूरत में उसके घर तक पहुंचाया। इलाके में मौजूद संचलन के नुमाइंदे के मुताबिक इस मौके पर लोगों का इजदाम आफा के घर पर उमड़ आया जिसके दौरान खवातीन रोते लगते सीनों को भी कर रही थी। इस मौके पर लोगों की एक बड़ी तादाद ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए और इस्लाम व आजादी के हक में और इलेक्शन मुखालिफ नारे बुलंद किए। मुजाहरीन इस पुरअसरार धमाके में सीआरपीएफ के मुलव्विस होने का इल्जाम लगाते हुए उसकी तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। इसी दौरान इलाके में यह अफवाह फैल गई कि पुलिस ने धमाके में जान बहक होने वाले बच्चे को एफआईआर में ग्रेनेड बरदार जितलाया है तो इलाके के मर्दोजन आफाक अहमद की लाश को लेकर जुलूस की सूरत में शंगरगुंड पहुंचे और वहां सोपोर कुफवारा शाहरा पर लाश रखकर धरने पर बैठ गए। मुजाहरों का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा जिसके दौरान लोग नारेबाजी करते रहे। बस यही वो मैं पे कार्ड इस कार भर कुलिस पे फर आई अशरफ अम्स क्या जुलूस क्या वोटर मूजूब मे रक्सत हमें वो यही नबर कन गए फायर बस यही यह पे अति नबर कन फादरन यह नबर कन की अफवाह बहुत गोस बसा बसा ओन इत खतर ड्रम पैदल इत ओन खतर इत अत सत मिशन पे फायर कप सियाल देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर कस्बा सोपोर की बात करें तो यहाँ पे भी गुज़िश्ता कई दिनों से जो हालात है वो बिल्कुल कशीदा बने हुए हैं और माहौल पुरतनाव बना हुआ है क्योंकि आज चौथा रोज है जहाँ पर सोपोर की बात करें मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। ब्लॉक सोपोर में जहां पर एक बच्चा जिसका नाम इशफाक बताया जा रहा है वो जाबाज हुआ है। इसके अलावा दीगर कई अफराद वहां पे जख्मी हो गए और उसके बाद अगर हम बात करें वहां पे जो मकामी लोग हैं वहां पे दरहम बरहम माहौल हो गया और मकामी लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे किए, उन्होंने इलेक्शन मुखालिफ नारेबाजी की और बायकॉट के हक में उन्होंने नारे दिए। तो कुल मिलाकर अगर जिला बारामुल्ला की बात करें जो कस्बा बारामुल्ला है वहाँ पर भी हालात काफ़ी पुरतनाव बने हुए हैं और यहाँ सोपोर में भी